दोस्तों, आईक्यू नियो 7 सीरीज कुछ ही महीनों पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी। अब उसका जो सक्सेसर है आईक्यू नियो 8 सीरीज बहुत जल्द आपको यह इंडिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि यह स्मार्टफोन चाइना में मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हो गए हैं। तो यह स्मार्टफोन पहले चाइना में लॉन्च होंगे, उसके बाद यह हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। और यह स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च होंगे, आज की इस वीडियो में मैं इन स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में आपको 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इस फोन के कैमरे की बात करूं तो इस फोन के रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और इस फोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और आप फ्रंट और रियर कैमरे से फुल एचडी 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेंसर की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक्सीलोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सारे सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंशन 9200 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। इस चिपसेट का जो एंटीटू स्कोर है वो 1.3 मिलियन के भी ऊपर निकल के आता है, तो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप हाई एंड गेम खेलते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको लैग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यह स्मार्टफोन UFS 4.0 की स्टोरेज और LPDDR5X रैम का सपोर्ट करेगा। और एंड्रॉइड OS की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और फन टच OS 13 देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज की बात करूं तो बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 12 to 56 के बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा और इसके ऊपर आपको 16GB रैम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और बैटरी की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी और 150W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि आपके फोन को 20 से 25 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको काफी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 35 से 40 हजार के बीच देखने को मिलेगा। अगर इस प्राइस पर और इन सभी स्पेसिफिकेशन के साथ यह स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो काफी अच्छी डील रहने वाली है। और इस स्मार्टफोन की प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।